नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं शांतिनाथ झा। आज पंचम वर्ग के छात्रों को मेरे द्वारा संस्कृत में चतुर्थ पाठ अमंदस्य बुद्धि कौशलम, अमंद की बुद्धि की कुशलता, इसका हिंदी अर्थ हुआ। पहले मैं संस्कृत पढ़ूंगा, उसके बाद मैं उसका हिंदी अर्थ बताऊंगा। यमुना तीरे मथुरा नाम नगरी अस्ति, तत्र आचार्य राजशेखरस्य द्वौ शिष्यौ आस्त, तयो एक मंद अपरस्त अमंद आस, तौ गुरो आवास से समीपे द्वयो प्रकोष्ठयो अवस्ताम। एकदा गुरु तयो बुद्धि कौशल से परीक्षार्थम ताभ्याम एकैकं रूप्यकं दत्वा अकथयत्, इदम् एकं रूप्यकं अस्ति, अनेन रूप्यकेन एतादृशं किमपि वस्तु क्रीत्वा आनयताम्, येन युगयो प्रकोष्ठः पूरयेत्। गुरो अज्ञया मन्दः झटिति एकस्य कृषकस्य गृहं गत्वा तेन रूप्यकेन एकं पलाल शतकं क्रीतवान्। छात्रों, मैं इसका हिंदी अनुवाद करने जा रहा हूँ। यमुना के किनारे, उसका मैं हिंदी अनुवाद करने जा रहा हूँ। यमुना के किनारे मथुरा नाम की नगरी है, वहाँ आचार्य राजशेखर के दो शिष्य थे, उनमें एक मंद और दूसरा अमंद था। वे दोनों गुरु के आवास के समीप दो कमरों में रहते थे। एक बार गुरु जी ने उनकी बुद्धि कौशल की परीक्षा के लिए उन्हें एक एक रुपया देकर कहा, यह एक रुपया है, इस रुपये से ऐसी कोई भी वस्तु खरीद कर लाओ जिससे तुम्हारे कमरे भर जाए। गुरु जी की आज्ञा से मंद ने जल्दी से एक किसान के घर जाकर उस रुपये से एक भूसा गाड़ी खरीदी। ततः तेना स्वयदेव प्रकोष्ठम पूरयित्वा गुरुवे निवेदयत्, आचार्य वर पूरितः अयं प्रकोष्ठः, तद विज्ञाय गुरुः तस्मै अक्रुध्यत् अवदत्। त्वया न साधुकृतम् इति आनन्दः आपणं गत्वा दीपकम् एकम् आनयत्, सः तं दीपकं प्रज्वाल्य प्रकोष्ठे स्थापयित्वा आचार्याय निवेदयत्। आचार्य पूरितः अयं प्रकोष्ठः इति आचार्य हर्षं प्राकटयत्, साधुकृतं त्वया, तद अनंतरम आचार्यस्य अमंदे प्रीति ही अवर्धयत्। यदि छात्र, अब मैं उसका हिंदी अनुवाद करने जा रहा हूँ। उसके बाद स्वयं ही कमरे को भरकर गुरु जी से निवेदन किया, आचार्यवर यह कमरा भर गया। यह जानकर गुरु जी उस पर क्रोधित हुए और बोले, तुमने ठीक नहीं किया। अमंद दुकान पर जाकर एक दीपक ले आया, उसने उस दीपक को प्रज्वलित करके कमरे में रखकर आचार्य जी से निवेदन किया, आचार्य यह कमरा भर दिया। आचार्य जी ने खुशी प्रकट की, तुमने अच्छा किया। इसके बाद आचार्य जी की अमंद में प्रीति बढ़ गई। अब मैं आप लोगों को शब्दार्थ बताने जा रहा हूँ। आस्ताम शब्द है, अशधातु रजलता प्रथम पुरुष दीपक, इसका अर्थ होता है वे दोनों थे दिवचन में। दत्वा शब्द का अर्थ देकर होता है, पूरे इत्वा शब्द का अर्थ भरकर होता है, स्वयमेव शब्द का अर्थ अपने आप होता है, जिसका संधि स्वयं जोर एक, स्वल्पम शब्द का अर्थ थोड़ा सा होता है, और क्रीड़ा खरीदा ये लंग लगा प्रथम पुरुष एक वचन में है। आनायता दोनों ले जाओ, आपनम दुकान, द्वयो प्रकोष्ठयो दो कमरों में, हर्षः खुशी, युवयो प्रकोष्ठौ तुम्हारे कमरे, कृत्वा खरीद कर, तद विद्याय वह दान कर, ये जिससे पलालम भूसा या चारा। यानी छात्रों, आज मेरे द्वारा पंचम वर्ग के छात्रों को चतुर्थ पाठ, इसका शीर्षक अमंगस्य बुद्धि कौशलम, उसको पढ़ा लिया गया। फिर अगले क्लास में मेरे द्वारा प्रश्नोत्तर का काम कराया जाएगा। धन्यवाद।